बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में फुकरा इंसान मनीषा रानी और एल्विश यादव शो के जीतने के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो भी जीतेगा वो प्राइस मनी जो है किसको कितनी दे देगा। अब यहाँ पर जो मनीषा है वो कहती है कि भैया हमें तो शो जीतना ही है, तो एल्विश यादव फुकरा इंसान और मनीषा के साथ मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि देख जो भी जीतेगा 35 लाख रुपये टोटल में उसको मिलने वाले हैं, एक लाख रुपए मेरी तरफ से जोड़ लो इसके अंदर, यानी 36 लाख रुपए। तो जो भी जीतेगा 12 लाख रुपए तीनों के हिस्से डाल देगा। तो इसके बाद मनीषा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एल्विश कहते हैं कि भाई सीधी बात है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तू एक काम करना, तू जीत जा, हमारी तरफ से 25 लाख का जो कैश प्राइज है वो हमें दे दे और ट्रॉफी तू रख लेना। इस पर मनीषा कहती है नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर एल्विश कहते हैं कि ठीक है तो ट्रॉफी हमें दे दे, कैश प्राइज तू रख लेना। मनीषा इसके लिए भी मना कर देती है। बहरहाल मनीषा कहती है कि देखो जो भी जीतेगा जनता उसे जिताएगी, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। बहरहाल अभी तक तो यही बात चल रही है कि जो प्राइस मनी है वो तीनों में डिवाइड होगा। आपको क्या लगता है इस बार बिग बॉस कौन जीतने वाला है, कमेंट के जरिए बता दें। और भी बिग बॉस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।